जय आदिवासी युवा शक्ति, विगत 5 वर्षों से 5वीं अनुसूची एवं 10 मुख्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रही है। भाइयों, 5वीं अनुसूची आखिर क्या है? 5वीं अनुसूची हमें क्या अधिकार देती है? 5वीं अनुसूची लागू अगर हो जाती है, हमारे जो अनुसूचित राज्य हैं और जिले हैं वहां का प्रशासन और नियंत्रण कैसे रहेगा? हम 5वीं अनुसूची हेतु आंदोलन कर रहे हैं। आज यहां जो उपस्थित हमारे नौजवान हैं, इनकी संख्या देश की 15 करोड़ आदिवासी यहां बैठे हुए हैं। क्या ना समझे कि यहां पर तो 5000 लोग हैं, ये जो है हमारा देश के 15 करोड़ आदिवासी के लोग के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए, और पूरा भारत देश आज की सभा को देख रहा है कि देश के नौजवान हमारे आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं। भाइयों, 5वीं अनुसूची के बारे में मैं बात रखना चाहता हूं। 5वीं अनुसूची जब लागू होगी उसकी व्यवस्था कैसी होगी? आज हम देखते हैं हमारे जिले में मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्य का सचिवालय होता है, उनकी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्री जिले में जाते हैं, जिले में आयुक्त, उपायुक्त, डीसी, डीएम बैठते हैं, उसके बाद प्रखंडों में आ जाते हैं, झारखंड में वीडियो बैठते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बोलते हैं, उसके बाद गांव में जो है आधुनिक पंचायत व्यवस्था के तहत मुखिया प्रतिनिधि करती है सरकार का। इस तरह से आधुनिक पंचायती व्यवस्था और विधानसभा व्यवस्था के तहत हमारे क्षेत्र में शासन और प्रशासन चल रहा है। क्या ये अनुसूचित क्षेत्रों में मान्य है? क्या जो सामान्य क्षेत्र कानून है हमारा, जो आदिवासी क्षेत्र में कैसे शासन और प्रशासन होगा? भाइयों, जैस और हमारे संविधान पदक 244 से 2 आखिर क्या कहता है? आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का शासन और प्रशासन, तो आदिवासियों का शासन और प्रशासन कैसे होगा? आज तो हमारे क्षेत्र में उपायुक्त शासन प्रशासन कर रहे हैं, साथ में सांसद कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, मुखिया कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा आखिर हमारी मांगे कैसी है, कैसी पूरी होगी। हमारे नौजवान और साथीगण ये पूछते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में 100% नौकरियां हैं, इन्हें परमिट है, बाहर से लोग आएंगे, उन्हें परमिशन लेनी होगी, व्यापार वगैरह वगैरह जो आदिवासी कर सकता है, इसमें कहां तक की सच्चाई है? आखिर कैसे राय हम जीतेंगे? देखिए, 5वीं अनुसूची की व्याख्या स्पष्ट रूप से हमारे उच्च स्तर पर हमारे इसके अभिभावक हैं आदिवासियों के, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी के प्रति उत्तरदायी है, उसके बाद हमारे राज्यपाल महोदय या महोदय, हमारे झारखंड में महोदय है और बाकी राज्य में महोदय है, वो हमारे अभिभावक हैं राज्य स्तर पर। उसके बाद एक टीएससी पदक, टीएससी के गठन होगी, जनजातीय परमादर्शी परिषद, मतलब हमारे राज्य के 15 विधायक और हमारे समाज से 5 सामाजिक अग्रगण जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे देश बागी संसार समाज के, ये भी वहां पे प्रतिनिधि करेंगे। ऐसे ही भील समाज से एक, कोटी समाज से एक, अगर मध्य प्रदेश में है, अगर छत्तीसगढ़ में है कोटी, भील या फिर उड़ाव समाज में रहते हैं, झारखंड की बात होगी, एक उड़ाव समाज से, एक संथाल समाज से, एक दरिया समाज से, एक मुंडा समाज से, इस तरह से 5 लोग उसमें होंगे, समाज से 5
और 15 हमारे चुने हुए विधायक, 20 लोग होंगे और 20 लोग जो है अनुसूचित जिले हेतु टीएससी के सदस्य होंगे। उसमें से एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और टीएससी में जो अध्यक्ष होगा भारत के संविधान के 244 का था के चार के अनुसार जनजातीय वर्ग से होगा, जो संविधान पत्र लिखा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश में टीएससी का अध्यक्ष आदिवासी है? नहीं है। झारखंड में कौन है? रघुवर दास है। क्या आदिवासी है? नहीं है। जब यह मुख्यमंत्री बने इन्होंने शपथ लिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद संविधान का अक्षर सा पालन करूंगा और सारा काम संविधान के अनुसार कर रहा। तो ये संविधान के अनुसार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आखिर उसके बाद हमारे अनुसूचित जिलों के लिए अलग से टीएससी का सेक्रेटरियट होगा, टीएससी की अपनी विभागें होंगी और हमें मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं, वो बाकी राज्य के लिए है। टीएससी के द्वारा हमारा जिले का शासन प्रशासन होगा। भारत के संविधान के 275 के जो पैसे हैं वो टीएससी के पास आएंगे। साथ ही जो विकास के जो 26 विभाग है, सारे विभाग के विकास के पैसे टीएससी के पास आएंगे। वो पैसे किसको जाएगी? वो पैसे जिले में जाएगी। जिले में भी ऐसी ही परंपरागत रूढ़िवादी संशोधन व्यवस्था और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था जो हमें थोपा गया है ऐसा कानून के द्वारा, जब ये दोनों मिलकर इसी तरह जिले में जो पंचायत सत्र में चुनाव होती है, जिला परिषद चुनाव होती है, तो 15 लोग जो है चुन के आएंगे और 15 लोग हमारे समाज से आएंगे, हमारी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था से। उसमें से जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष क्या कहलाएंगे? जिला अध्यक्ष नहीं, अगर वो संथाल समाज से है तो देश माझी कहलाएंगे जो हमारे सामने बैठे हैं।